कितने साल लगेगा सिंगर बनने में? 3 जन्म लगेंगे सिर्फ 8 ही करने में। अब मैं चाहूँ आप मेरे उस्ताद बन ले। वही आपने, मैं पहले आपका भाई हूँ, ताफो चूट भी आपके लिए हाजिर है, जिसमें हमें पत्थरों को गुआ दे, तुम कितने चाटो से यार। इतना अच्छा लगेगा सिंगर बनने? ये तो मुझे आज तक मैं नहीं बन सका, मुझे 30 साल हो गए। दवाई जो होती है ना, वो सुपरस्टार बनने के बाद पीते हैं लोग, और फिर उसके बाद वायरल हो जाते हैं। अच्छे भले आप डॉक्टर हैं, सिंगर क्यों बने? इसको आप अवॉइड करें, म्यूजिक नहीं खैर, इसको कहते हैं ब्रेक डांस, है ना, ब्रेक सिंगर बनना चाहते हैं। जी जी, आप डांस करें, मुझे लग रहा है कोई ना कोई आपको ब्रेक जरूर कर देगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेखा से मोराब, देख रहे यूट्यूब चैनल शेखियाँ। यहाँ मैं एक इवेंट पे आया हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंगर्स आए हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्राई मार लूँ, मैं यहाँ पे कोई उस्ताद ढूंढ लूँ, ताकि मैं चाह रहा हूँ मैं एक सिंगिंग के अंदर आ जाऊँ, मैं सिंगर बन जाऊँ। तो देखते हैं कि मुझे उस्ताद मिलता है कि नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं एक नया जॉनरा बनाऊँ, जो कि ना ब्रेक सिंगर, जितना ब्रेक डांसर्स होते हैं ना, ब्रेक सिंगर भी होना चाहिए। तो आए देखते हैं, चलें कि वो तशरीफ लाएँ और हमारा चलना साहब से अपने वाले साहब का चेक वसूल करें। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं बाबू नवीन, शुक्रिया आपका। जी मेरे साथ मौजूद है बहुत ही फेमस सिंगर रफाकत अली साहब, कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो आपको देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि आप बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं, जो अपने काम को बिल्कुल उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह दूसरे लोग कर रहे हैं। आप बहुत हटके इंटरव्यू भी कर रहे हैं और आपकी बातचीत का भी बड़ा मजा। मुझे बताएं, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी ना सिंगर बनूं और मुझे भी कभी ये चेक मिले, तो मैं सिंगर कैसे बन सकता हूं? आप पहले 40-50 साल लगाएंगे तो फिर ये वाला चेक मिलेगा ना। ओए, ये 40-50 साल आप लगाएंगे अपने काम में, फिर ये वाले चेक मिलते हैं। मुझे बताएं आप, मैं चाह रहा हूँ आपने ना उस्ताद भांजी, तो मुझे कितने साल लगेगा सिंगर बनने में? आपको 3 जन्म लगेंगे सिर्फ 8 ही करने में। नहीं, देखो अगर मेरे पास पैशन हो, ठीक है, तो मैं सिंगर ही बन सकता। पैशन कुछ नहीं कहता जब तक अल्लाह मियां नहीं देते। एक बड़ी कमाल बात की लता मंगेशकर ने मुझे, मैं कभी भुला नहीं सकता, कि कुछ आर्ट होता है जो अल्लाह मियां ने इंसान को दिया होता है, वो एक हद तक होता है, उसको मेहनत करके आगे बढ़ाना होता है, वरना वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आप अपने आप को जज करें कि आप क्या कर सकते हैं। जब तक अपने आप को जज नहीं, आप अच्छा नहीं गा सकते तो क्यों गा रहे हैं? अगर आप अच्छे एक्टर नहीं है तो क्यों एक्टिंग कर रहे हैं? आप अपने को पहले जज करें कि आप हो या नहीं हो, उसके बाद मेहनत करें। ओए ओए, नहीं नहीं, मेरे अगर क्या कहते हैं अम्मी अगर कहें कि यार तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो मैं नहीं मानूं। अम्मी के अलावा दोस्तों से भी पूछें। अच्छा ठीक है, अपनी राय आप ऐसा गाए ताकि लोग कहें कि नहीं यार बहुत अच्छा गाते हैं, फिर आप उसको थोड़ा सा सीखें, फिर आप मैदान में चला। आप जैसे उस्ताद हो मेरे पास, तो मैं सिंगर बन जाऊंगा ना? नहीं, बच्चे उस्ताद से सिंगर नहीं बनता, पहले वो खुद से सिंगर होता है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से कोई अवतार होता है, उसके बाद फिर वो उस्ताद भी उसको अच्छा मिल जाए तो उससे अच्छा। ठीक है ठीक है, मेरे उस्ताद आप बड़ी, मैं भी मेरी मुलाकात हुई क्रिकेट के एक बहुत नामी ग्रामी आदमी के साथ। उसने कहा क्रिकेट सिखाने से नहीं आती, उस माहौल से भी आती है। हम बैट पकड़ना सिखा देते हैं, हम शॉट मारना सिखा देते हैं, लेकिन एक कुदरती टैलेंट भी होता है, इस तरह गाना होता है। मेरे साथ ये मौजूद हैं तनवीर अफरीदी साहब, सर कैसे हैं? बेहतरीन सर। मुझे बताएं, अभी कुछ देर पहले ही तो आपने चेक दिए थे लोगों को, लोग साल साल दो दो तीन तीन साल बाद चेक देते हैं, आप तो ये कुछ महीने बाद ही चेक देने आ गए? नहीं, हमें तो साल में 4-5 मरतबा हम ना दे तो हमें डंडे पड़ते हैं ऊपर से। हाँ, बड़ी सख्ती है हमारी, मैनेजमेंट तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती इस बारे में। मेरा भी दिल कर रहा है, ठीक है, मेरा भी यहाँ आके किया दिल कि ना मैं भी सिंगर बनूँ, मुझे भी कभी चेक मिले, तो मुझे सिंगर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिंगर बनने के लिए हमारी मैनेजमेंट में असद अहमद साहब हैं, उनसे रब्ता करें, वो आपको EMI का सिंगर बना देंगे और फिर उसके बाद आप मेरे पास आ जाएंगे। नहीं सर, मुझे बताएं आप मेरे उस्ताद भांजा के, तो मैं चाह रहा हूँ मेरा कोई उस्ताद भांजा जो मुझे सिंगिंग सिखा दें। जी इंशाल्लाह, मैं तो खुद शागिर्द हूँ, लेकिन मुझे जितना आता है मैं ज़रूर आपको सिखा दूँगा। पक्की बात है? मुझे कितना अच्छा लगेगा सिंगर बनने? ये तो मुझे आज तक मैं नहीं बन सका, मुझे 30 साल हो गए, तो मुझे आज तक मैं समझता हूँ कि कल बहुत बुरा गया है, हर रोज ये पता चलता है। तो मुझे बताए सिंगिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई रियाज होता है, कोई पानी होता है, कुछ कोई दवाई होती है, या फिर सॉफ्टवेयर यूज करूँ, क्या करूँ? देखिए दवाई जो होती है ना, वो सुपरस्टार बनने के बाद पीते हैं लोग, और फिर उसके बाद वायरल हो जाते हैं, वो तो एक चीज है। तो दवाई ववाई वाला कोई चक्कर नहीं, और गर्म पानी और शहद वहद जो है ये सुपरस्टार बनने के बाद वाले नखरे हैं कि जी मैं आऊँगा तो मुझे पहले काजू और फिर गर्म पानी और शहद और ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो हमने तो सिंपल नमक के पानी से गरारे करके
गाना रियाज किया है और उसके बाद हमने वो भी छोड़ दिया और अपने कॉन्फिडेंस से जितना भी गा सकते। वो छोड़े थे, नमक बड़ा महंगा हो गया ना इसलिए छोड़ो। नहीं, वो नमक हरामी नहीं की जाती है। ये भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मेरा मौजूद है बहुत प्यारे मेरे पसंदीदा तारिक ताफू साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मैंने एक प्लान बनाया है। मैंने कहा कि यार मुझे भी चेक मिले मगर मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं कैसे बन सकता हूँ मैं सिंगर? उससे पहले कि आपको चेक मिले, आपको चेक करना पड़ेगा पहले। मुझे ये बड़ी खुशी हो रही कि आज आप थथला नहीं रहे, अपने असली रूप में है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैं ना सिंगर बनने की चाह से आया हूँ, तो मुझे बताएं आप, मैं चाह रहा हूँ आप मेरे उस्ताद बन लें। वही आपने, मैं पहले आपका भाई हूँ, ताफो चूट भी आपके लिए हाजिर है, जिसमें हमें पत्थरों को गुआ दे, तुम कितने अच्छे आटो से। सही कहा आप, हाँ सही कहा। तो मुझे बताएं कितने साल लगेंगे मुझे सिंगिंग सीखने? इंशाल्लाह आजकल जो दौर है तो 6 महीने का भी। 6 महीने में बन जाऊंगा, पक्की बात है? पक्की बात, कन्फर्म, दिखवा लो। हैं? आप मुझे सिंगर बना दें। बाकी बात ठीक है, डन डन हो गया, सिंगर बन गया। जी मेरे साथ मौजूद है ताफू साहब। सर कैसे हैं आप? अच्छा मुझे बताएं, मैं अभी सिंगर बनना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? आप डायरेक्टर के पास जाए। अच्छा, तो मुझे सिंगर, उन्होंने मुझे जन्म उस्ताद चाहिए, तो मुझे बताया आप मेरे उस्ताद बन जाएंगे। डन। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी मेरे साथ मौजूद है आर्य भट्ट। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपके साथ आने के बाद कुछ और अच्छा अच्छा बड़ा जबरदस्त है एज अ सिंगर। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यार मैं भी सिंगिंग में आ जाऊँ, ठीक है, ताकि मुझे भी कभी ये चेक मिले, मैं भी सिंगर बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? मेरी माने तो आप रहने ही दें, ये ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाए। नहीं नहीं, मैं ना उस्ताद ढूंढने हैं, मैं चार को सिंगर मेरा उस्ताद बन, तो आप मेरे उस्ताद बनेंगे? लेकिन असल में तो आप खुद बड़े उस्ताद हैं, जो इतनी उस्तादी के साथ आपने अपना मुद्दा भी बयान कर दिया और सारी बात भी कर दी, तो बात यह है कि किसी भी आर्टिस्ट का हक है कि वो म्यूजिक के अंदर आए, और अगर आप म्यूजिक में आना चाहते हैं, म्यूजिक को सीखना चाहते हैं, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि तमाम देखने सुनने वालों के लिए। पक्की बात। कितने साल लगेंगे सिंगर बनने के लिए? मैं इसका आप एक मजाक वाला सवाल है, लेकिन इसका सीरियस जवाब देता हूँ कि याद रखिएगा कि देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस। अगर आपने सिर्फ सक्सेस हासिल करने के लिए आपको शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं, तो अपना ये ख्याल दिल से निकाल दें। आपका काम है कि सिर्फ आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें, उसका रिवॉर्ड देना अल्लाह ताला का। अगर आप पूरी ईमानदारी, अंग्रेजी की कहावत है कि टाइम वेस्टेड इज नॉट एक्चुअली द टाइम वेस्टेड, आपको लग रहा होता है कि वक्त का ज़ाया है, वक्त ज़ाया हो रहा है, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं होता। किसी भी काम में की गई आपकी मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाती है, और आपको उसका सिवा उतनी ही ईमानदारी के साथ ज़रूर मिलता है जितनी ईमानदारी के साथ आपने इन्वेस्टमेंट की। जी वक्ती तौर पे तो बन जाएंगे, लेकिन जैसे उस सिंगर की रूह को पता चलेगा, क्योंकि वो तड़पेगी, तड़पने के बाद उसको पता चल जाएगा, तो उसके बाद फिर आपका कॉपीराइट या केस भी हो सकता है। उस पे तो नहीं होगा, लेकिन इस पे हो सकता है, इस पे तो जरूरी हो जाएगा। हो तो इसको आप अवॉइड करें, म्यूजिक की खैर बहुत सारी दुनिया लिप सिंक करती है, खैर है, इसे अवॉइड करें, ये बचत हो जाएगी। नहीं, ये इसको कहते हैं ब्रेक डांस, मैं ना ब्रेक सिंगर बनना चाहता हूं। जी आप डांस करें, मुझे लग रहा है कोई ना कोई आपको ब्रेक जरूर कर देगा। जी मेरे साथ मौजूद है बहुत प्यारे गिटारिस्ट आवाज ग्रुप में असद अहमद। सर कैसे हैं? ठीक ठाक सर। सर मुझे बताएं आवाज ग्रुप खत्म क्यों हो गया, क्या हुआ? आवाज ग्रुप को काफी अरसा हुआ है खत्म हुआ। हाँ, क्यों क्यों? आप मुझे पहले नहीं ना मिले, इसलिए मैंने कहा आज पूछो। आई थिंक हम तीनों जो हैं अलग इसलिए हुए थे कि हम म्यूजिक इंडस्ट्री को 3 अलग फ्लेवर्स दे दें एज अपोज टू 1। तो आपको म्यूजिक इंडस्ट्री का फायदा हुआ है, 3 मुख्तलिफ स्टाइल्स ऑफ म्यूजिक मिल गए आपको, हारून अलग, फाखिर अलग, मैं अलग। Yes, क्योंकि आप लोगों, मुझे याद है जितने हिट सॉन्ग्स दिए हैं आप लोगों ने, ठीक है, कमाल कमाल कमाल, जो कि अभी भी सारे गाने याद है। मैंने जो कैसेटें ली थी, बल्कि जो भी आपकी नई कैसेट आती थी मैं परचेज करता था और हम सुनते थे, मगर अब का म्यूज़िक को आप कैसे कंपेयर करते हैं उस टाइम के म्यूज़िक से? बहुत अच्छा म्यूज़िक आ रहा है, बिल्कुल, मगर उतना हिट नहीं हो रहा सर। उस टाइम जो गाना होता था सालों साल चलता था, अब गाना
उसकी वजह एक आध हफ्ता चलता है बस। उसकी वजह शायद ये है कि आपका जो फॉर्म ऑफ डिलीवरी है मीडिया का वो चेंज हो गया। अब डिजिटल एज आ गया है, उस वक्त टेलीविजन पे देखा जाता था, रेडियो पे सुना जाता था, अब आप स्पॉटिफाई पे सुनते हैं और यूट्यूब पे देखते हैं, ये फर्क है। जिनमें सब मौजूद है डॉक्टर सुहेल हाशमी और ये सिंगर भी हैं, सर मुझे बताएं अच्छे भले आप डॉक्टर हैं सिंगर क्यों बने? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, जो जो कैमरे की आंख मुझे देख रही है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुहेल हाशमी। ये जो शेख कासिम है ना, इसके सवाल में जवाब और जवाब में सवाल होते हैं, तो सोच के बोलना पड़ता है, इसी में आपसे मुहातिब होगा, इधर आगे तो फंस जाऊंगा। बाय एनी वे ही इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। ये वैसे ऑन द सीरियस नोट कासिम, मुझे बहुत सवाल पूछा जाता है कि यार डॉक्टरी करके तुम ये क्या कर रहे हो? तो पहली बात होती है, मैं सिंपल कोई लिखी पढ़ी बात नहीं, दिल की बात, इट्स बीन अ टाइम कि तालीम आपको शऊर देती है। जब शऊर आता तो आप समझते हैं कि आप दुनिया में क्या करने आए हैं, आप में कौन कौन से टैलेंट है। जो लोग नौकरी के लिए तालीम हासिल करते हैं वो नौकरी बनते हैं, अगर हमें लीडर्स की ज़रूरत है तो हमें तालीम शऊर के लिए है। तो जो अल्लाह ने मुझे शऊर दिया, मैं अपने आप से बात की तो मुझे लगा कि मैं लिखता भी हूँ, मैं होस्ट भी कर सकता हूँ, मैं गाना भी गा सकता हूँ, डॉक्टरी विद नो ऑफेंस डॉक्टर्स। तो सर ये रीज़न थी कि मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मेरे अंदर एक चीज़ ऐसी दी। तो कुछ ऐसा होता, मैंने सुना मरीज ठीक करते हो, सिर्फ गाना सुनाओ तो ठीक हो जाता है। हाँ जी, डिपेंड करता है कि मरीज़ की शक्ल कैसी है और डॉक्टर की शक्ल कैसी है और एज क्या है। मुझे बताया जब आप डॉक्टर होके सिंगर बन सकते हैं, ठीक है, मैं एंकर होके सिंगर बन सकता हूँ, तो मैं सिंगर बनने का मेरा शौक है। सर आपके मिजाज को समझते हुए पहला जवाब दे रहा हूँ कि आजकल सिंगर वो बन सकता है जो सुबह उठे और सोचे कि यार मुझे सिंगर बन जाना चाहिए, तो 2-2.5 घंटे बाद वो सिंगर होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि अगर आप बात भी करेंगे ना तो उसको भी कर्व्स देकर फ्रीक्वेंसी सिंगर बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह माशाल्लाह आप जैसा कोई एंकर नहीं, ओरिजिनलिटी बिकती है कासिम, या आप आर्टिस्ट होते हैं या आप नहीं होते। यू कैन मैन्युफैक्चर डॉक्टर, इंजीनियर्स, अटर्नी, यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एन आर्टिस्ट। ग्रूमिंग होती है, बेसिक टैलेंट, बेसिक जो खालिक हुआ है ना, सबसे बड़ा आर्टिस्ट तो वो है, सबसे बड़ा मुसन्निफ तो वो है, सबसे बड़ा क्या कहते हैं मुसव्वर तो वो है, अल मुसव्वर उसकी। तो आप बिल्कुल बन सकते हैं क्योंकि, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप होस्ट रहें, ये आपकी ओरिजिनलिटी। पता है कि मैं एक जॉनर नया निकाला जाता हूँ, जितना ब्रेक डांसर होता है, मैं क्या करूँ, मैं ब्रेक सिंगर बन जाऊँ। यार इसीलिए नंबर वन है तुम्हें, ये ब्रेक सिंगर बनेगा, आप गाना पहले ही गाएंगे, ब्रेक बाद में हो जाएंगे। हाँ, गाना जब गाना शुरू करूँ वो गाना एंड हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गाना एंड करवाया जाएगा, होगा नहीं। और ब्रेक भी आप करवाए जाएंगे जो सुन रहे होंगे। जब चाहत फतेह अली खान सिंगर बन सकता है, ऐसे में फंस गया, मेरी सारा नॉलेज, मेरा 20 साल का तजर्बा जीरो है। जब उस आर्टिस्ट को मैं देखता हूँ, अगर वो बन सकता है तो तुम तो मेहदी हसन हो फिर। सर मुझे बताएं आज ये EMI का अगेन चेक वाला, देखिए बहुत आजकल जो एक ट्रेंड है, पिछले 76 ईयर्स जब से पाकिस्तान बना है, फनकारों के नाम हुए मिड 50s में जाके, 60s में जाके, 70s में जाके, और फिल्म इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर गई थी, बहुत सारा आगे काम हो रहा था टीवी के अंदर भी, बाद में ये गिले शिकवे भी आते रहे, जब आर्टिस्ट बीमार हो जाते तो उनको कोई पूछता नहीं। इस तरह की बातें करने से आर्टिस्टों की सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान होता था। लेकिन एक और मैं आपको बताऊँ, जितने बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं, अंदर ही अंदर अंडरनीथ बहुत सपोर्ट किए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सबकी। मैं सब, मेरे डैडी जब फौत हुए, मुझे अच्छी तरह याद है जाकिर अली खान, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें पूछती थी, ऐसी बात नहीं है कि वो पूछते नहीं। कुछ आर्टिस्टों का अपना भी कसूर होता है, उनकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इस तरह के एरर होते हैं जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इस तरह के इदारे जिसमें हमारे EMI वाले जो हैं और तनवीर आफरीदी साहब जो कोशिश कर रहे हैं, जो उन आर्टिस्टों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिज़िकली, मॉरली सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो कर रहे हैं। यस यस सर, किसी ने मुझे फूल फेंका है तो मुझे लग रही है वैलेंटाइन की दुआ करें ये फूल वजह से, फूल मियानी साहब के नाम। सर ये सर मुझे बताइए, आपकी तरफ फेंका गया या ये मेरी आपकी तरफ आया है, है ना? जैसे गेंद आता है, यस चक्का लगता है, इसका है लगी है इतनी जोर से, मुझे लग रहा है मुझे चोट भी लग गई है। जी जनाब, आपने लोगों के कमेंट सुने, मुझे तो ये लगता है कि यार उस्ताद मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया, मगर मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा, मैं एक ना एक दिन सिंगर भी बन के आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए, कीप वॉचिंग शेखियाँ।